के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। सहने से बेहतर कहूंगी सखी। श्री स्वामी विवेकानंद कहूं कि पक्षी माटे मात्र एक ज पांख थी उड़वू संभव नहीं, तेम महिलाओनी स्थिति में सुधार वगर दुनियानु कल्याण थई शकतु नथी। आ माटे ज तो आपणी मातृछाया शाळा इच्छी रही छे कि आ शाळानी दीकरीओ मात्र शिक्षित ज न बने परंतु सशक्त पण बने। आ माटे तो आपणे महिला सशक्तिकरण पखवाड्यानी उजवणी करी रह्या छे। आ उजवणी अंतर्गत आपणे आजे जोईशुं सरकारश्री द्वारा घडेला केटलाक कायदाओ, एवा कायदाओ कि जे महिलाओने न मात्र व्यवसायिक क्षेत्र परंतु घरमां पण तेने सन्मान, न्याय अने सुरक्षा अपावे। तो माहिती मेळवी आवा कायदाओ विशे। क्या आपको पता है कि महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? और घर में पति ज्यादा नाटकबाजी करता है तो पत्नी खर्च करने के लिए हर महीने गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। आधी आबादी से जुड़े ऐसे कई कानून हैं जिनकी जानकारी सबको होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला अधिकारों के बारे में। कानून ने महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं कि अगर महिलाएं उनका सही से इस्तेमाल करें तो कोई भी महिलाओं का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता है। तो उन सभी अधिकारों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अधिकार नंबर एक, घरेलू हिंसा रोकथाम कानून। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी के डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 के तहत महिला अपने पति या पति के परिवार वालों के द्वारा अगर टॉर्चर की जा रही है तो वो घरेलू हिंसा के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। घरेलू हिंसा का मतलब है कि महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या उसको किसी भी तरह से टॉर्चर करना। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 के तहत कोई भी महिला अगर अपने पति या पति के घर वालों के द्वारा टॉर्चर की जा रही है तो वो घरेलू हिंसा के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। महिला की तरफ से कोई भी हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला गुजारे भत्ते की मांग भी कर सकती है। अधिकार नंबर दो, वर्किंग प्लेस में उत्पीड़न के खिलाफ कानून। सेक्सुअल हरेसमेंट अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर सेक्सुअल एब्यूज की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिनों की पैड लीव दी जा सकती है। सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर सेक्सुअल एब्यूज की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिनों की पैड लीव दी जाएगी। पैड लीव का मतलब यह है कि महिलाओं को 90 दिनों की छुट्टी दी जाएगी लेकिन उनकी सैलरी से कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। अधिकार नंबर तीन, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। भ्रूण हत्या का मतलब है कि जन्म से पहले ही होने वाले बच्चे की हत्या कर देना। कई मामलों में गर्भ में पल रही लड़कियों को मार दिया जाता है। एक महिला को जीने का अधिकार देने के लिए लिंग की जांच और उसकी हत्या के खिलाफ कानून बनाया गया है। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना कानूनन अपराध है। गर्भधान और चाइल्ड बर्थ से पहले लिंग की पहचान कराने वाले टेस्ट पर रोक लगाई गई है। अधिनियम PCP NDT कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है। अधिकार नंबर चार, नाम सार्वजनिक न करने या छुपाने का अधिकार। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपने नाम की गोपनीयता बनाए रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिला अधिकारी के सामने मामला दर्ज करा सकती है। कई बार रेप की शिकार महिलाएं पुलिस की जांच, मुकदमे से होने वाली बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराती है तो सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। जैसे रेप केस की सुनवाई हमेशा महिला जज ही करेगी, पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी, पीड़िता के बयान परिजनों की मौजूदगी में ही दर्ज किए जा सकते हैं, सुनवाई को 2 महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अधिकार नंबर 5, रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार। CRPC सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
किसी खास मामले में एक फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये पॉसिबल हो सकता है। बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिलाओं को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। उसे जमानत से जुड़े उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही गिरफ्तार महिला के नजदीकी रिश्तेदारों को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। अधिकार नंबर 6, समान वेतन का अधिकार। समान वेतन अधिनियम 1976 में एक ही तरीके के काम के लिए समान वेतन का प्रोविजन किया गया है। अगर कोई महिला किसी पुरुष के बराबर ही काम कर रही है तो उसे पुरुष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। वेतन या मजदूरी पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अधिकार नंबर 7, मैटरनिटी राइट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स पर हर कामकाजी महिलाओं को अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 वीक्स तक मैटरनिटी लीव ले सकती है। इस दौरान महिला की सैलरी में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वह 26 हफ्तों तक की लीव ले सकती है और इस लीव में उसकी सैलरी से कोई कटौती नहीं की जाएगी। अधिकार नंबर 8, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी मेडिकल जांच का प्रोसेस किसी महिला के द्वारा या किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही किया जा सकता है। अधिकार नंबर 9, मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार। रेप की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। पुलिस थानाध्यक्ष के लिए यह जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे। अधिकार नंबर 10, संपत्ति पर अधिकार यानी प्रॉपर्टी में अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी के हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर का हक है। अगर हम पिता की संपत्ति पर अधिकार की बात करें तो भारत का कानून किसी भी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार देता है। अगर पिता ने खुद जमा की गई संपत्ति में कोई वसीयत नहीं की है तब उनकी मौत के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाइयों और माँ के जितना ही हिस्सा मिलेगा। यहाँ तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहता है। और अगर हम पति की प्रॉपर्टी से जुड़े हक के बारे में बात करें तो शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का कोई मालिकाना हक तो नहीं होता, लेकिन वैवाहिक विवादों की सिचुएशन में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलता है। पति की मौत के बाद या उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत ना होने की सिचुएशन में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। शर्त यह है कि पति केवल खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की वसीयत नहीं कर सकता। अधिकार नंबर 11, अगर पति पत्नी में ना बने तो फिर पत्नी के अधिकार। अगर पति पत्नी साथ ना रहना चाहे तो पत्नी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत मुआवजे की राशि तय होती है जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है। अधिकार नंबर 12, मुफ्त कानूनी मदद लेने का हक। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो महिलाओं के लिए कानूनी मदद बिल्कुल फ्री है। वो अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने की अपील कर सकती है। ये केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी आर्थिक स्थिति वाली महिला के लिए है। पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता समिति से संपर्क करती है जो कि महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करती है। शिकायत कहां करें? क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अलावा 100 नंबर या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कभी भी 7 दिन 24 घंटे कॉल की जा सकती है या फिर अपने इलाके के थाने में शिकायत की जा सकती है। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाओ पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।